गुड आफ्टरनून सर, बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। मोहन अफवा, थैंक यू सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप तो आपने देखा आप कुछ इंटरनेशनल मार्केटिंग आदि का भी एक्सपीरियंस आपके यहाँ, यस सर, किस टाइप का आपका सेल्स बिजनेस चलता है? सर एक्चुअली मैं जहाँ वर्क करता था वो एक B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म। उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जो प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए प्लस जो बल्क में मतलब बायर खोज रहे हैं और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको मीडिएट करके बायर्स को सप्लायर्स से मिलाते हैं, प्लस डिजिटल मार्केटिंग में उसकी प्रोफाइल बना करके उसको वेब पे प्रमोट करते हैं। तो इंडियन जो MSME है जो बाहर में एक्सपोर्ट करती है, और बाहर की जो MSME फॉर एग्जाम्पल चाइना वियतनाम, वो लोग जो इंडिया में आके अपने कस्टमर्स देख रहे हैं, बायर्स देख रहे हैं बल्क में, तो उन दोनों के बीच में हमारी कंपनी मीडिएटर। तो वेरी गुड, आपका तो एक्सपीरियंस ये बताइए, आप अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर अफसर होते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको कैसे काम आ सकता, बिहार के इंडस्ट्री वालों को क्या फायदा हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से? सर इसमें मल्टीपल मतलब मैनर में बिहार के इंडस्ट्रीज को मैं अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मेरा जो MSME से डील करने का एक एक्सपीरियंस है, उसे नेगोशिएशन करने का एक्सपीरियंस है, उन लोगों की जो ग्रीवांसेस है उसको समझने का एक्सपीरियंस है, और उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियल इशू आता है बार्गेनिंग का कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह की ऑर्डर होना चाहिए और किस तरह की जो प्रोसीजर्स हैं एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट की, उसमें जो हर्डल्स होती हैं उसको मैं इजीली आई थिंक मतलब सॉर्ट आउट कर सकूंगा। आप तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WTO, यस सर, ये क्या चीज है और इसका क्या काम है? सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका बेसिक फोकस ये है कि वो वर्ल्ड में रूल बेस्ड ट्रेड हो, उसके लिए वो काम करती है, जिसके काफी मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज UN के छोड़ के ऑलमोस्ट शायद उसके मेंबर्स हैं, और इंडिया भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। तो ट्रेड के रूल्स को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को पीसफुल प्रमोट करने के लिए वो काम करती है सर। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लो कभी चाइना से हम लोग का ट्रेड आता, बहुत सा सामान खिलौने आदि चले आते हैं, क्या पॉसिबल है कि हम उनको टोटल बैन कर दें? किस तरह बैन किया जा सकता है चाइना से ट्रेड, हम लोग को संबंध हमारे अच्छे नहीं है चाइना से, ट्रेड को हम लोग बैन क्यों नहीं कर सकते हैं लीगली, क्या समस्या है उसमें लीगली? सर कंप्लीट बैन तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि ब्लैंकेट बैन कर दें, इम्पोर्ट जीरो इम्पोर्ट कर दें। क्यों, क्या दिक्कत है? क्योंकि सर चाइना बहुत सारे सेक्टर में रिसोर्स रिच कंट्री है, और उसके अगेंस्ट हमारी जो कंट्री है हम काफी रिसोर्स लैकिंग कंट्री है, तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, हम एक्सपोर्ट कम इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि सर हम ब्लैंकेट बैन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमारा नेबर कंट्री है, तो जब कुछ हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, तो एक तो डिपेंडेंसी ऑन रिसोर्सेस है, दूसरा लॉजिस्टिक चार्जेस है, और तीसरी बात है कि चाइना में वो बल्क सप्लाई करती है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो उससे हमको चीप और इजी वे में सामान मिल जाती है, तो ये भी एक रीजन है कि अदर कंट्री के कंपेयर में हम चाइना पे डिपेंडेंट है और चाइना को हम कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते। अच्छा थोड़ा सा मुझे इंडियन इकोनॉमी के बताइए, अभी देखा गया कि पास्ट में वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, ग्रोथ रेट कम है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी लोग कह रहे हैं कि अच्छा बूम कर रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका, इंडियन इकोनॉमी अच्छे शेप में है? सर कोविड के बाद ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी काफी सफर की है और उसमें इंडिया भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बाउंस बैक की है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और काफी इकोनॉमिस्ट लोगों ने इसको माना है। तो उसमें सर सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ड्यूरिंग कोविड एक सिल्वर लाइनिंग सेक्टर होकर निकली, मतलब सारे इंडस्ट्री बैन होने के बाद भी एग्रीकल्चर हमारी काफी अच्छी गई, तो ये एक रीजन है कि इंडिया की इकोनॉमी इस कोविड के बाद भी अच्छी कर रही है।
फान जी, आपको है इंडिया के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे लगता है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी टोटल झूठा है, प्रोपेगेंडा है। देखिए आप, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ा हुआ है, और जो है रूरल इकोनॉमी किस जो मुफ्त में अनाज प्रेजेंट सरकार दे रही है और वेरियस स्टेट भी जो दे रहे हैं, इससे रूरल इकोनॉमी सस्टेन है। तो मुझे लगता है ये बहुत दिन नहीं सस्टेन होगा। हम लोग की इकोनॉमी का बबल बर्स्ट करने जा रहा है, शून हम लोग श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत में आ जाएंगे। आप हमसे सहमत हैं? यदि हाँ या ना, और कारण बताइए। सर, इसमें मैं थोड़ा आपसे अभी डिसएग्री कर रहा हूँ। आप कारण बताइए। रीजन ये है कि सर, डेफिनेटली जितने रीजन अभी आपने गिनवाया कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ये सारे रियलिटीज हैं। बट हमारी इकोनॉमी जो है सर, इकोनॉमी की साइज अभी हमारी जो है, हम लोग वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी। तो इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में उतना मतलब इशू नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से पॉवर्टी हमारी एक हकीकत है। तो 50% प्लस पीपल जो हमारी काफी पुअर है, तो उसको काफी सब्सिडीज देनी पड़ती है, उसके वजह से हमारे जो एक्सचेंज का बर्डन है उस पर चल जाता है। तो दूसरी बात, हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो उतने स्किल नहीं है कि वो कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो मैनुअल वर्क के लिए अवेलेबल है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिससे इंडिया की इकोनॉमी मतलब इतनी बड़ी साइज की होती हुई भी डिफरेंट इंडिकेटर्स में इंडिया लैग कर रही है। सेकेंड थिंग सर, जो इन्फ्लेशन का बात है, तो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर सर डिमांड की कमी नहीं है, डिमांड है, मार्केट भी है, पर सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन की रेट बढ़ जाती है इसके वजह से। बट इकोनॉमी तो मेरे अनुसार अभी इंडिया की इकोनॉमी वो मिथ नहीं है, मतलब रियलिटी है। सत्य जी, अच्छा आप सब्सिडी की बात कर रहे थे कि सब्सिडी बहुत ज्यादा यहाँ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सब्सिडी बहुत ज्यादा है नहीं। आप यूएस में देख लीजिए एग्रीकल्चर को कितना सब्सिडी मिल रहा, ये ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स के द्वारा। तो फिर हम सब्सिडी को क्यों आधार बनाते हैं कि सब्सिडी के कारण जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है या सब्सिडी बहुत ज्यादा यहाँ दिया जाए। सर, बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन हमारे देश के हैं उसके डिसेंटली लाइवलीहुड दिया जाए। तो इसमें क्या है कि पुअर पीपल काफी ज्यादा है, तो हमें नहीं, मैं तो ये कहा कि हमारे यहाँ सब्सिडी कम है, ये गलत बात है कि सब्सिडी इंडिया में ज्यादा दिया जा रहा है, इससे ज्यादा तो यूएस में है। एक एग्जांपल दिया ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स का, है ना, कि आप उसको देख लीजिए। जानते हैं ब्लू बॉक्स क्या? सर, ये WTO का जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है, क्या अंतर है इस तीनों में, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स? सर, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स जो है ये सब्सिडी के रिगार्डिंग ही वर्ल्ड ट्रेड के द्वारा, तो मैं समझ गया, मैं ही बताया। ब्लू बॉक्स में सर ये है कि कोई भी कंट्री अगर रिसर्च में, डेवलपमेंट में अगर अपने कंट्री में सब्सिडी देती है, खैर उसको छोड़ दीजिए, अब आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, अब आप आइए कि FDI जो है, यस सर, वो अगर रिटेल सेक्टर में अगर दिया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भारत ऐसे देश में? कॉन्सिक्वेंसेस FDI इन रिटेल सेक्टर? हाँ सर, FDI जब रिटेल सेक्टर में आएगी तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगी कि वो FDI जो आएगी तो अपने साथ वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगी, तो उससे क्या होगा कि सर एम्प्लॉयमेंट जो मैनुअल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट घटेगी यहाँ पे, दूसरी बात उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगी कि FDI के वजह से जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कंपेयर टू अदर जो कंट्री है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, नई मशीनरी के साथ आएगी, तो वो इजिली प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में उससे लैग कर सकती है। ये सारे मुझे कुछ अभी इंस्टेंटली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिवली। पॉजिटिव? पॉजिटिव तो फिर सर पॉजिटिव हो जाएगा कि FDI आएगी तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे, प्रोडक्शन होगी, मार्केट है, तो इकोनॉमी का व्हील चलेगा, बाइंग सेलिंग होगी, एक तो जो साइकिल है वो
अच्छे से चलेगी। दूसरी बात है कि उसके लिए हमको FDI के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि वो सारे लेबर फोर्स मैन पावर हर काम के लिए अपने देश से लेकर आएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तीसरी क्या होगा कि सर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा। फोर्थ होगा कि FDI से हमारे ये आप लोग को बिजनेस मैनेजमेंट फॉरेन ट्रेड भी पढ़ना था। यस सर। ये ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होता है? सॉरी सर मुझे अभी उसके बारे में याद नहीं आता। नहीं नहीं होता। अच्छा एक चीज बताइए, कोई कंपनी US से चली, वो दूसरे कंट्री में गई, अब उस कंपनी पर कहाँ का लॉ लागू होगा, कौन सा? चूंकि देखिए एक लॉ तो जिस कंट्री में वो गई है ना, यस सर, उस कंट्री का अपना लॉ होता है, एक US का लॉ होगा और एक इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ बना हुआ है उसका लॉ होगा। यस सर। तो कौन सा लॉ इनके ऊपर लागू होगा और कैसे ये कंपनी जो है वो काम करेगी, पढ़ना है आपको ये सब? यस सर। बताइए। मतलब कोई कंपनी, सर एक क्वेश्चन था, कोई कंपनी US की है। यस सर। और वो कंपनी इंडिया में आ गई। यस सर। तो भारत सरकार का अपना भी लॉ है। यस सर। फिर उसके बाद एक और लॉ है, इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बना हुआ है विश्व में कि कंपनी कैसे काम करेगी नहीं करेगी। कोई अगर बाय द वे विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो कंपनी किस लॉ से रेगुलेट होगी? सर इसमें अगर फॉर एग्जांपल की टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में उसका एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया की काफी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि सर प्लेस ऑफ ओरिजिन किसी कंपनी का यहाँ पे है या वहां पे है तो टैक्स किसी एक ही जगह लगती है, तो ये टैक्स का इशू ऐसे सॉल्व होता है। इसी तरीके से सर दूसरा कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी जहाँ इस्टेब्लिश हुई है और जहाँ पे उसकी मतलब कोर मशीनरी बैठती है, टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं और नहीं तो, कोई विवाद उत्पन्न हो गया इस कंट्री में, विवाद उत्पन्न हो जाए है ना, तो फिर क्या होगा उस कंपनी का? सर इसमें सर मुझे अभी एग्जैक्टली देखिए आप लोगों को पढ़ना था ना ये बिजनेस मैनेजमेंट में इन चीजों के बारे में, रिवाइज कर लूंगा सर इसको। कस्टम यूनियन भी पढ़ना है आप लोगों को, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड, फिर आप आगे बढ़ते हैं CCACPA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये सब पढ़ना है ना? यस सर। जानते हैं इसके बारे में? यस सर। ये सर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, छोड़ दीजिए उसको। आप मुझे ये बताइए कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है वो अस्तित्व में आ गए? यस सर। एग्जांपल बताइए उसका एक। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जैसे साफ्टा हो गया, सार्क हो गया, वो सबको तो मेरे अंदाज से प्लूरिलेटरल बोलते हैं, मल्टीलेटरल बताइए कौन सा है? जैसे WTO आ गया। WTO अब इधर आप देखिएगा कि बहुत सारे प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए, आपका छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक्स आ गए। यस सर। तो ब्लॉक्स जिस प्रकार का आपस में एग्रीमेंट करते हैं, यस सर, और जो छूट वो अपने मित्र राष्ट्रों को देते हैं वैसे छूट उनको वहां मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में WTO में उनको वहां पर ये छूट नहीं है। यस सर। व्यापार में, यस सर, है ना, जो आसियान राष्ट्र है वो आसियान राष्ट्र को फ्री ट्रेड का दे देता है ये। यस सर। है ना परमिशन, लेकिन वो वहां नहीं। क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका उसके व्यापार पे, WTO पे पड़ेगा इम्पैक्ट। यस सर। तो आप मानते हैं कि ये जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स एक बाधा उत्पन्न कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हाँ जरूरी था सर। इसमें जैसे कि जो रीजनल ब्लॉक्स है, जैसे SAARC हुआ या जो भी इस तरह के रीजनल ब्लॉक्स है, ये क्या करते हैं कि सर पहले अपने मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जो अपने मेंबर कि इसमें मेरे प्रश्न को आप समझ गए ना? यस सर। प्रश्न समझ में आ गया? यस सर। हाँ बताइए। इसके बाद जहाँ तक मल्टीलेटरल ट्रेड की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि सर मल्टीलेटरल ट्रेड में कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं ये एक बाधा नहीं, एक
वे फॉरवर्ड के तरह काम करते हैं। क्या करते हैं? एक मतलब फैसिलिटेशन के तरह काम करते हैं, मल्टीलेटरल के कंसेप्ट को, उसके जो विजन को आगे ले जाने के लिए। कैसे? क्योंकि सर WTO है, फॉर एग्जांपल WTO कोई रूल फॉर्म किया है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, अब कोई दूसरी ट्रेड ब्लॉक है, रीजनल ब्लॉक, अब वो कोई ऐसा रूल अपने बीच में ट्रेड को इन्वेस्ट करने के लिए या एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने के लिए नहीं कर सकती है जो WTO के रूल के अगेंस्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो इन सिंक में रूल ऑफ WTO काम करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि रीजनल ब्लॉक्स मल्टीलेटरल ट्रेड ब्लॉक के काम में बाधा उत्पन्न करती है। बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या रिलेशन है? सर कोई भी जो प्रोजेक्ट मतलब प्लान होती है, प्रोसेस में होती है, एग्जीक्यूट होती है और उसका फाइनल आउटकम होता है, तो उसका सर प्रोसीजर होता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में वही इंटायर प्रोसीजर प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, प्रोक्योरमेंट से लेके डिलीवरी तक, जो भी चैनल्स होती है, जो भी मीडियम होती है, वो दोनों एक साथ रहती है सर। तो वही, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास दो कैंडिडेट्स हों, एक इंजीनियर हो और एक मैनेजमेंट से हो, मैं इंजीनियर को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि पहले मैनेजमेंट तो बात होगा, पहले हमारा प्रोडक्शन तो हो जाए, तो मैं सोचता हूं कि मैं पहले इंजीनियर्स को हायर करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप कैसे बोलेंगे कि मैं इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूं? सर इसमें मैनेजमेंट में हमको देखना पड़ेगा कि जो ग्राउंड लेवल पे या जो पॉलिसी फॉर्मेशन में उस फॉल्स या कुछ डिफिशेंसी तो नहीं है, तो मैनेजमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, वो देखती है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करती है और उसकी एग्जीक्यूशन वगैरह में या जो भी उसके लिए रिसोर्सेस है उसको अवेलेबल कराती है, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे। जहां तक प्रोडक्शन पर लेवल पे आता है, डेफिनेटली अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है वहां पे तो इंजीनियर ही काम करेंगे, बट वहां पर भी अगर मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट उसको बेहतरीन से ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो इसलिए अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है ये किनके द्वारा लाया गया था? प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब ये वैकेंसी किसके द्वारा लाया गया? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, किसने इस जॉब का सृजन किया था? इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो जॉब जो काम करेगी वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का जो कंसेप्ट है वो 1977-78 में जनता गवर्नमेंट जब आई थी मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो हेवी इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट को साइड करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए उस समय ये लेके आई थी। ये है डिस्ट्रिक्ट। आपका इसमें काम क्या क्या होगा? सर इसमें बेसिकली जो काम होगा, एक तो होगा कि MSME के रिलेटेड जितने भी उसके ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, प्रोक्योरमेंट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, मॉनिटरिंग हुआ, एक तो कंट्री उससे होगा। दूसरा होगा कि सर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना होगा। तीसरा होगा कि सर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसकी भी जो प्रोविजन है उसको एग्जीक्यूट करने का काम रहेगा। उसके तहत सर मुद्रा लोन के थ्रू जो वेंटिसिस है उसको भी असिस्ट करने का काम रहेगा। चाहिए रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंसेस है? सर रूरल और अर्बन के डिफरेंस को हम वेरियस पैरामीटर में दे सकते हैं, लाइक कि एजुकेशन पैरामीटर्स क्या है, सोशल इंडिकेटर्स क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ऑप्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में हम देखेंगे। तो अगर इकोनॉमी में देखें तो रूरल जो है वो ज्यादा एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसी तरीके से अर्बन में देखें तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो अर्बन एरिया में काफी अच्छी है पर कैपिटा इनकम। इससे पहले भी प्रोजेक्ट के बहुत सारे लोग आए। यस सर। और एक प्रोजेक्ट आया था और अभी है भी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यस सर। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सब लोग पैसा खा के बैठ गए हैं और कोई स्मार्ट सिटी नाम का कोई चीज नहीं है। एक घंटे बारिश होती है तो पूरा पटना भर जाता है, पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा दरभंगा भर जाता है। यस सर। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ पैसे की लूट हुई है।
आपका क्या ओपिनियन है? सर मैं इसमें स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में ये कहूंगा कि कहीं अगर वर्क में लेकुना हुई है तो उसके लिए प्रॉपर चैनल्स हैं एड्रेस करने के लिए ग्रीवांसेस को, बट कहीं ना कहीं मेरे नजर में ये स्मार्ट सिटी काम कर रही है और अच्छा कर रही है, हम उसके रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, रैपिड फ्लैश मतलब बारिश हो जाती है तो सीवेज की उतनी कैपेसिटी नहीं है विद इन द टाइम ड्रेनेज को निकालने के लिए, इन सब में वर्क करने की जरूरत है और कोई फ्लॉज है तो उसके लीगल प्रॉपर चैनल है, बट मेरे नजर में सर काम कर रही है स्मार्ट सिटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, हमको अच्छे और भी जो एमिनिटीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं सर आपके शहर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का क्या स्कोप है बिहार में? सर बिहार गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन इकोनॉमी पे काफी फोकस कर रही है और पॉल्यूशन के रिलेटेड बहुत ही कंसर्न है बिहार गवर्नमेंट, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्स्ट अपना बिहार की नेक्स्ट मतलब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, क्योंकि काफी गवर्नमेंट की सपना है कि डीजल और पेट्रोल वाले जो व्हीकल हैं इसको जितना जल्द हो उसको कम किया जाए, तो मेरे नजर में सर काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिहार। ओके सर, ठीक है, आप क्या आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।